आज हम बना रहे हैं खस्ता लेयर्ड मटरी। और आप मेरे चैनल पे मटरी की रेसिपी तो देख ही चुके होंगे, तो आज हम एक और मटरी की रेसिपी बना रहे हैं। लेयर्ड मटरी होती है जैसा आप देख ही रहे हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। और हर फेस्टिवल पे, होली हो या दिवाली हो, हम इसको ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होती है और हम सबको, मेरी पर्सनल फेवरेट है। और हम भी आज बना रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें ये डिश, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए भी ये डिश बनाएं। तो अभी थोड़ा टाइम है होली में, आप अभी भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, और ज़्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं चाहिए, और बहुत ही टेस्टी लगती है। होली के बाद भी आप इसको इवनिंग स्नैक की तरह खा सकते हैं। तो जल्दी से हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑल पर्पज फ्लावर लिया है, मैदा 300 ग्राम 300 ग्राम के करीब। हमने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है 75 ml के करीब, 75 ml। हमने ऑयल लिया है 75 ml के करीब, तेल 75 ml, सॉल्ट 1 teaspoon, नमक 1 चम्मच, अजवाइन, कैरम सीड्स 1 चम्मच 1 teaspoon, सौंफ, फेनल सीड्स 1 teaspoon। अब एक मिक्सिंग बॉल में हमारा जो ऑल पर्पज फ्लावर है, मैदा 300 ग्राम हमने वो डाल दिया है। अब इसके अंदर जो हमने अजवाइन लिया था, कैरम सीड्स, वो डाल दिया हमने 1 चम्मच। सौंफ का पाउडर जो हमने लिया था, फेनल सीड्स का 1 चम्मच, वो डाल दिया है। नमक डाल दिया 1 चम्मच, और हमारा जो 75 ml ऑयल था, 75 ml ऑयल, वो डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे बहुत सख्त आटा बनाना है, थिक आटा बनाना है। तो आप जानते होंगे कि पूरी का आटा कितना सख्त होता है, उससे भी थोड़ा सख्त आटा हमें बनाना है, अगर हमें मटरी खस्ता और बहुत क्रिस्पी चाहिए तो। और आप उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, पहले से ही ज़्यादा पानी मत डालिए। इसको आप अच्छे से गूंथिए। ध्यान रखिएगा, पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा आटा कितना सख्त बन रहा है, पूड़ी के आटे से भी सख्त बन रहा है। पूड़ी का आटा ऑलरेडी बहुत सख्त होता है, उससे थोड़ा और सख्त आटा हम बनाएंगे। हमारा आटा ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अब इसको हम एक कपड़े से ढककर, कॉटन के कपड़े से ढककर, प्लेट से ढककर रख देंगे 20 मिनट के लिए। हमें इसे साइड में रख, 20 मिनट बाद हमारा जो आटा है वो तैयार है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है बहुत ही थिक बना है और रेडी है। तो आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, और एक हिस्सा, एक सेक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं। और इसको हम अच्छे से बेल कर इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे हम। ध्यान रखिएगा, ये जो रोटी है बहुत थिन रहेगी, तो आप उस हिसाब से इसको अच्छे से बेलिएगा। हमारी ये लेयर तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे, लंबाई के आकार में इसको फोल्ड करके इस पे वापस से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल देंगे। अब फिर इसको हम फोल्ड कर देंगे, और अब देख सकते हैं स्क्वायर टाइप का हमारा ये आटा हो गया है। अब इसको हम वापस से अच्छे से बेल लेंगे, इस बार इसको थोड़ा सा थिक बेलेंगे हम। हमने आटा और तेल इसे लगाया ताकि जो हमारी लेयर्स हैं, जब तेल में जाएं तो वो खुल कर आएँ, और बहुत ही क्रिस्पी हमारी मटरी बने। आटा हमने इसे लगाया ताकि वो चिपके नहीं। और हम वापस से इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे, वापस से थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। आटा छिड़कना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे जो लेयर्स हैं वो चिपकेगी नहीं, और तेल में जाके आराम से खुल कर आएंगी। हमने इसको वापस से आटा और तेल लगा के बंद कर दिया था। अब इसको हम वापस से अच्छे से बेल लेंगे लंबा लंबा। आप देख सकते हैं हमने एक लंबी सी स्ट्राइप बना दी है। तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे। आप कितने बड़े पीसेस रख सकते हैं, जितनी बड़ी आप मटरी रखना चाहते हैं, आप इससे बड़ी रख सकते हैं पीसेस, इससे छोटे रख सकते हैं। हम मीडियम साइज के पीसेस रख रहे हैं थिकनेस में।
जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा तेल काफी गर्म हो गया है कढ़ाई में, तो अभी वक्त आ गया है कि हमारी जो मटरी के हमने पीसेस काट के रखे थे वो हम तेल में डाल दें। ध्यान रखिएगा कि तेल काफी गर्म है इस वक्त, पर हम मटरी को जब डालें तो आप जो आँच है, जो फ्लेम होती है, उसको कम कर दें, और हम कम आँच पर ही हमारी जो मटरी है उनको फ्राई करेंगे। कम फ्लेम पे, लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। हमें मटरी को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप इसको लो फ्लेम पर ही कीजिएगा, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा। तो हम इसको लो फ्लेम पर, कभी कभी आप इसको ऐसे चला सकते हैं ताकि मटरी जले ना नीचे से। जैसा आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। वक्त आ गया है कि हम इनको बाहर निकाल लीजिए, और देखिए बहुत ही क्रिस्पी हमारी जो मटरी है वो बनी है। लेयर्स आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप लेयर देख सकते हैं, एक एक दिख रही है। अब हमारा जो सेकेंड सेट है हम वो भी डाल देंगे। इनको भी हम कम आँच पे पकाएंगे, लो फ्लेम पे, और गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। देख सकते हैं एक एक लेयर हमारे मटरी की दिखाई दे रही है, और हमारे ये भी सेट तैयार है, गोल्डन ब्राउन है। आप लेयर्स देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है, और एक एक लेयर दिखाई देती है, और ये बहुत ही टेस्टी होती है, ये बहुत ही क्रिस्पी होती है। और आप इसको 3 से 4 महीने तक खा सकते हैं। आप इसको स्टोव कर लीजिए एयर टाइट कंटेनर में, वैसे 3-4 महीने तक नहीं बचेंगी, होली के कुछ दिन तक ही आप इसको ऑब्वियसली खा लेंगे, इतनी टेस्टी होती है ये। तो अगर आपको ये डिश अच्छी लगी, और आप प्लीज़ इस डिश को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एंड हैव अ नाइस डे, एंड हैव हैप्पी होली। बाय बाय, टेक केयर।